नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार। आप देख रहे हैं टू चैट प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में नया आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है घर बैठे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप करके हम बतलाने वाला हूं। तो आज इस वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो का स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नया आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले जो है कि अपना किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा इस तरह से, और ब्राउजर में टाइप करना होगा UIDAI। उसके बाद सर्च वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जो ये लिंक दिख रहा है UIDAI का, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाता है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, यानी नया आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से नीचे आना है, और यहां पे देखिए लिखा हुआ है हेडलाइन में गेट आधार, और इसके नीचे यहां पे लिखा हुआ है बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का यहां पे एक इंटरफेस यहां पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि आधार कार्ड में आप क्या क्या जो है कि अपडेट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे आधार इनरोलमेंट आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर, बायोमेट्रिक, फोटो, फिंगरप्रिंट के साथ अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपको इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ मिल जाता है इंडिया रेसिडेंट, और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी कहने के मतलब है कि आप इंडिया से हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, और नॉन रेसिडेंट इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आपको इसको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हम इंडिया से रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है कि अपना मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए मोबाइल नंबर को टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप कर लिया। उसके बाद एक कैप्चा कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर लिया। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से, और उसके बाद जो भी अभी मोबाइल नंबर जो आप टाइप किए हैं उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है। देखिए उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड कर दिया गया है, और उस ओटीपी को आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए हम ओटीपी को टाइप कर लेते हैं। तो यहां पे हम टाइप कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद आपको एक बटन दिख रहा होगा सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह के पेज यहां पे ओपन हो जाता है, और दोस्तों यहां पे दो ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे देखने के लिए मिल जाता है न्यू इनरोलमेंट, यानी नया आधार कार्ड बनाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप आधार कार्ड में किसी भी चीज का अपडेट कराना है तो उसके लिए आपको अपडेट आधार वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमें नया आधार कार्ड बनाना है, तो इस पे क्लिक करते हैं न्यू एनरोलमेंट, इस तरह से देखिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि आपको यहाँ पे तीन स्टेप को फॉलो करना होगा। देखिए ये तीन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जो है कि इसमें अपना नाम, यानी जिनका आधार कार्ड बनाना है उनका आधार नाम को इस बॉक्स में टाइप कर लेना होगा। तो चलिए पहले नाम को हम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने नाम को टाइप कर लिया। उसके बाद जो है कि उसका उम्र क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ को आपको यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो इस तरह का देखिए आपको एक कैलेंडर यहां पे ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से देखिए यहां पे कैलेंडर ओपन हो गया है। तो कैलेंडर में अपना डेट ऑफ बर्थ को यहां से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
यहां से देखिए हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहां महीना का नाम को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है कि यहां पे दिन का नाम को दिन यहां सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद जो है कि आपको यहां पे देखिए जेंडर को आपको सिलेक्ट करना होगा कि जिसका बना रहे हो मेल है कि फीमेल है। तो चलिए यहां से मेल है तो मेल को सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद जो है कि यहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, रेसिडेंट टाइप तो इंडिया रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडिया, तो इंडिया रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जो है कि आपको एक बटन मिल जाता है सेव एंड प्रोसीड का, तो चलिए हम क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के बटन पे। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा पेज जो है कि इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है, और देखिए पहला पेज जो है कि फिलअप कर दिए, तो देखिए पहला पेज का जो है यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आउट इस तरह से हो जाता है। तो दूसरा का फॉर्म यहाँ आपको फिलअप करना होगा, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो क्या क्या फिलअप करना होगा, तो सबसे पहले जो है कि इस तरह से आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलेटिव डिटेल्स, यानी रिलेटिव डिटेल्स आपको यहाँ से टाइप करना होगा, यानी आधार कार्ड में किसका नाम आप रखना चाहते हैं गार्जियन में, यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए फादर मदर और यहाँ गार्जियन में डाल सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए फादर के नाम को हम रखना चाहते हैं आधार कार्ड में, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद जो है कि रिलेटिव नाम को आपको टाइप कर लेना, यानी अपना फादर का नाम को इस बॉक्स में नाम को टाइप कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से नाम को आपको टाइप कर लेना होगा। देखिए नाम को हम टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद जो है कि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है, पहला जो है कि आधार नंबर है अगर आपके पास, तो आधार नंबर को टाइप कर सकते हैं, अगर आपके ईवीडी नंबर अगर है, ईआईडी नंबर है, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मेरे पास आधार नंबर है, तो इस बॉक्स में सबसे पहले आधार नंबर को टाइप कर लेना होगा, यानी अपना फादर्स नेम का नाम आधार नंबर को टाइप करना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों मैंने पहले आधार नंबर को टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पे देखिए रिलेटिव एड्रेस को आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेक्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सीओ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहां से जो है कि अपना फादर्स नेम को इस बॉक्स में टाइप कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं, यानी आपका आधार कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा पीछे, जो आप टाइप कीजिएगा वही नाम टाइप लिखा हुआ रहेगा आधार कार्ड के बगल में, यानी आधार कार्ड का जो एड्रेस दिया हुआ रहता है पीछे, उस टाइप का आपको वहां पे लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे देखिए इस तरह से। देखिए नाम को हम टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद आपको इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पे अगर आप अपना हाउस बिल्डिंग का नाम जानते हैं या नंबर जानते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अपना पिन कोड को डालना बहुत जरूरी है, तो अपना एरिया के पिन कोड को टाइप कर लेना होगा इस तरह से। देखिए टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा कुछ सर्च लेगा यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ऑटोमेटिक जो है ये फिलअप हो जाएगा अपना एरिया का नाम। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से फिलअप हो गया है यहाँ पे देखिए इस तरह से, और यहाँ पे जो है कि डालने की कोई जरूरी नहीं है, एसटी रोड लाइन या फिर एरिया या फिर लैंडमार्क अगर याद है तो डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पिन कोड नंबर डालते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो गया है। तो अगर आपका विलेज का नाम गलत यहाँ पे फिलअप हो जाता है तो इसको आप सही कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मेरा यहाँ पे गलती ऑटोमेटिक ले लिया था, तो यहाँ पे देखिए हम सुधार कर लेते हैं इस तरह से। देखिए देखिए यहाँ पे सुधार हो गया, उसके बाद जो है कि आपको इस तरह से नीचे आना, और यहाँ पे देखिए जो भी आप मोबाइल नंबर टाइप किए हैं ये मोबाइल नंबर आपको इस तरह से ओपन हो जाता है। अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर को डालना चाहते हैं तो एडिट करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी को डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है कि आपको डॉक्यूमेंट यहां से आपको एड्रेस प्रूफ में यानी रिलेशनशिप में आपको प्रूफ देना होगा, ये क्या लगता है आपका। तो यहां पर चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जो है कि आपको यहां से अपना जो भी आपके पास जो है रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पेज ओपन हो जाता है, और पूरा डिटेल्स जो भी आप फिलअप किए हैं पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा इस तरह से। देखिए पूरा डिटेल्स जो है यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, और अगर आपका पूरा डिटेल्स जो है कि अगर किसी तरह से कोई गलत है तो यहाँ पे देखिए एडिट करने का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से एडिट पे क्लिक करके आप एड्रेस को या नाम को आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है।
उसके बाद जो है कि सारा डिटेल्स आपका अगर सही है तो आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स जो दिख रहा है इस बॉक्स पे टिक आउट कर देना होगा। इस तरह से टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद आपको एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, इस तरह से इस सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे जो है इस तरह से पेज ओपन हो जाता है और यहां पे देखिए बताया गया है, यहां पे देखिए लिखा गया है योर एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएट, और यहां पे देखिए आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर आपको यहां पे जनरेट हो जाता है, यानी मिल जाता है एक नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर आपको मिल जाता है जो आपको यहां पे देखने के लिए यहां पे मिल जाता है। उसके बाद जो कि आपको क्या करना होगा, डाउनलोड रिसीव पे आपको क्लिक करना होगा। यहां से आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा जो इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको डाउनलोड यहां पे देखिए हो रहा है। यहां पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और यहां पे देखिए डाउनलोड हो गया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। देखिए तो यहां पे देखिए दोस्तों जो भी आप अपॉइंटमेंट जो बुक की है यहां पे देखिए इस तरह से जो है कि आपको एक रिसीविंग मिल जाता है, और यहां पे पूरा आपका डिटेल्स जो है कि इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और यहां पे देखिए बाहर कोड दिया गया है। और दोस्तों इस प्रिंट को आपको जो है कि आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, यहां से लेकर आपको यहां तक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो है कि आपको यहां पे देखिए अपना साइनेचर कर लेना है। यहां पे देखिए नहीं, यहां पे आपको साइन नहीं करना होगा, यहां पे जो गार्जियन है आपके फादर्स जो हैं उनको साइन करना होगा, और यहां पे देखिए लिखना है गार्जियन रिलेटिव का नाम को, अपना फादर्स नेम को इसमें आपको नाम को लिख लेना होगा सही तरीके से, और उसके बाद जो है कि आपको इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको थ्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, थ्री डॉट के बटन पे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहां से आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां से अपॉइंटमेंट बुक कर लिए, उसके बाद जो कि साइबर कैप में जाकर आप यहां से आप पीडीएफ में निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट। और दोस्तों आपको एक चीज और बतला देते हैं, यहां पे देखिए यहां पे जो है कि बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपका नजदीक में सेवा केंद्र है यानी आधार सेवा केंद्र है तो इस यहां से आपको बुक कर सकते हैं। यहां से देखिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, और यहां से जो है कि आप एडवांस सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहां से आप अपना आधार सेवा केंद्र को सर्च करके आप खोज सकते हैं, जो भी नजदीक है उसमें अपॉइंटमेंट को आप बुक कर सकते हैं। इस तरह से जो है कि आपको सर्च कर लेना, यहां पे देखिए सेंटर के नाम से सर्च कर सकते हैं, और यहां पे ऑप्शन दिया गया देखिए आपको, और यहां पे देखिए अगर अपना एरिया का पिन कोड टाइप करते हैं तो जितना भी आधार सेवा केंद्र होगा पूरा लिस्ट जो है ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो है कि आप यहां से सर्च कर सकते हैं, सर्च करके आप इस आधार सेवा केंद्र को खोज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं आधार सेवा केंद्र में तो सबसे पहले जो है कि आपको डाउनलोड रिसीविंग को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उसके साथ क्या क्या ले जाना है दस्तावेज, तो उसके लिए आपको यहाँ जो भी आप सेलेक्ट किए हैं बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी आप सेलेक्ट किए हैं उसके साथ आपको ले जाना होगा, और गार्जियन का आधार कार्ड है उसको आपको ले जाना है। और ले जाने के बाद जो है कि आपको वहां आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो भी बच्चा रहेगा या जिसका आधार कार्ड बनवा रहे हैं उसका जो है कि 10 अंगुली का फिंगरप्रिंट लेगा बायोमेट्रिक मतलब, और उसके बाद जो कि आंख का रेटिना जो होता है उसको फिर उसको कैच करेगा, और उसके बाद जो है कि नाम टाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका सारा डिटेल्स में यहाँ पे टाइप किया हुआ है, और यहाँ से जो है गलती नहीं हो सकता है। जैसे आप वो उसके पास आप बनवा रहे हैं आधार कार्ड तो उससे गलती हो सकता है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप यहाँ सही से देख लिए उसके बाद जो कि अपॉइंटमेंट बुक किए तो वहां जो है कि नाम टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वहां जो है सिर्फ बायोमेट्रिक हाथ का फिंगर लेगा, आंख का फोटो लेगा, बस इतना ही चीज लेगा, उसके बाद जो है कि आपका आधार कार्ड बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि नया आधार कार्ड के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।